सर आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टूडेज सेशन मैं आज यहाँ पर आई हूँ सर मेरे साथ ये होता है कि आ, मैं छोटी छोटी बातों पे क्राई करने लग जाती हूँ और फैमिली में भी अगर किसी को कोई बात बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे हॉन्ट कर रही है तो समटाइम्स वो जब कोई भी कन्फ्लिक्ट रेज होते हैं ना तो वो चीज़ें मुझे एज अ ट लव्ज़ वन से जो भी हैं या क्लोज वन है तो वो मुझे वो बातें बोलने लगते हैं तो कैसे अपने आप को स्ट्रॉग करना चाहिए

तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ना असर टॉन्ट करते हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस मैं वैसे शेयर नहीं करती हूँ बट मैं अगर अपनी ममा से करती हूँ या अपनी फैमिली से करती हूँ तो वो नेगेटिविटी होने लग जाती है उनको लगता है ये प्रॉब्लम्स में रहती है मैं प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स घर पे नहीं लेती हूँ बट अगर ज़्यादा होता है तो मुझे शेयर करना पड़ता है तो वहाँ पे अगर वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं

बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप कुछ शेयर करते हैं किसी के साथ में तो बहुत सारी बातें ऐसी शेयर कर देते हैं जो भी अपने मन की होती है जिसको सामने वाले लोग पकड़ करके सुनाते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है ऐसे मत सोचा करो ऐसे मत किया करो ये मत बोला करो ऐसे नहीं करते ये क्या सोचते रहते हो क्या फालतू के थॉट्स आते रहते हैं तुम्हारे माइंड में जबकि करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में उनको आपको बताना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल है यानी कि कोई कितना भी अंदर से परेशान हो बाहर से हमसे खुश तो कोई है ही नहीं स्पेशली जब कोई गेट टुगेदर होता है exactly. वहां पर फोटोग्राफ्स सब अपनी अपनी डाल रहे होते हैं तो फोटोग्राफ्स देख करके ऐसा लगता है कि सारी खुशियां इसी घर में है चाहे अंदर से सब लड़ रहे हैं मर रहे हैं कट रहे हैं बहुत बुरा हाल है अंदर से बाहर से देखने में ऐसा लगता है और जब ऐसी आप देखते हैं तो आपको और ज्यादा अंदर से लगता है कि शायद मुझे में कोई प्रॉब्लम है या हमारे ही घर में सारी प्रॉब्लम है हाँ। और तो जगह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो पहले तो ये समझिए ऐसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में अमीर से अमीर गरीब से गरीब या कोई भी इंसान जो भी आपके आइडल है ना आपकी फैमिली में फ्रेंड सर्कल में जो आपको लगता है कि इसकी लाइफ तो परफेक्ट है किसी की परफेक्ट नहीं है अंदर सबके अपने सीक्रेट्स हैं जो कि छुपे हुए हैं अगर वो बाहर आ जाए तब आपको पता लगे कि इसकी लाइफ तो मुझसे <overstire> भी ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा बेकार भी है या मेरे जितनी ही बेकार है ज़्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ चीज़ों में ज़्यादा बेकार होगी कुछ चीज़ों में अच्छी होगी तो बट इस तरीके से कह सकते हैं कि इसकी लाइफ भी बेकार भी है अच्छी भी है जैसे कि मेरी लाइफ बेकार भी है अच्छी भी है अपनी लाइफ को भी आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बेकार है कुछ बेकार है कुछ अच्छा है ऐसी ही उसकी लाइफ है तो पहले जब ये आपको क्लैरिटी आती है कि किसी की भी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो इनफैक्ट जो आपके माइंड में एक आइडल लाइफ का सिनेरियो बैठा हुआ है जहां से कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं और कैसे मैं इमोशनली बिल्कुल स्टेबल हो जाऊं यानी कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है मेरे को कोई फर्क ही ना पड़े एग्जैक्टली exactly, तो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है तो जब मैंने आपके इस आइडल को तोड़ दिया यानी जो आपके माइंड में एक आइडल सिनेरियो बना हुआ है बिल्कुल ऐसा है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो सर कोई ऐसी दवाई बता दो या कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ू पूरी लाइफ में अरे जब तक जिंदा हो तब तक बीमार पड़ोगे मरने के बाद कोई बीमार नहीं पड़ता राइट right? राइट right. इस बात को अच्छे से समझो जब तक हम जिंदा हैं तब तक थाट्स हैं सब तरह के फीलिंग्स हैं सब तरह की इमोशंस हैं सब तरह के ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं अगर इस बात को ध्यान से समझ लोगे तो यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है बाकी लोग क्या करेंगे आकर के आपने उनसे क्वेश्चन पूछा वो इतना नहीं बोलेंगे जितना मैं बोल रहा हूं यानी इतनी मेहनत नहीं करेंगे वो क्या कहेंगे अच्छा आपको इमोशनली स्टेबल होना है कोई बात नहीं हम आपको तरीका बताते हैं आपके आसपास में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है अपने मन को शांत रखिए क्या बकवास बात है <laughs> मतलब आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं वो लोग वो आपके माइंड में जो पहले ही एक कॉम्प्लिकेशन है उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं क्योंकि उस गैप को और बढ़ा रहे हैं एक है रियलिटी यानी कि जैसी एक्चुअल में लाइफ होती है एक है आपके माइंड में जैसी लाइफ होनी चाहिए तो लोग क्या करते हैं जो बारीकी से लाइफ को नहीं समझते हैं या रियलिटी के बेस पे बात नहीं करते हैं वो इस गैप को और बढ़ा देते हैं ध्यान से समझो मेरी इस बात को कि ये जो एक परफेक्ट लाइफ की इमेजिनेशन है आपके माइंड में इसको तोड़ दो सबसे पहले तो पहले रियलिटी को एज इट इज देख लो वो क्या है कि ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली नंबर वन तो हमने क्या किया इमेजिनेशन से हटके रियलिटी पे आ गए तो अब क्या करें कुछ मन में है और आप बात कर रहे हो तो वहां पे दो तरह की बातें हैं एक है जो कि ऐसी है जो आपको अंदर से पता है कि अगर आज मैंने ये बात बताई तो पूरी लाइफ के लिए हो सकता है मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं यानी कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए तो उन बातों को आप लिख सकते हो और पेपर पर पे लिख करके उस पेपर को फाड़ के फेंक दो हर बात बोलने की नहीं होती है इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ मतलब हमें ये लगता है कि जो भी हमारे मन में आ रहा है वो बोलना चाहिए ऐसा नहीं है क्योंकि आप तो बोल दोगे लेकिन प्रेशर सामने वाले पे क्रिएट हो जाएगा इनफैक्ट अगर एक्चुअल में आप सामने वाले से प्यार करते हो तो बहुत सारी बातें नहीं बोलनी होती है क्योंकि आप तो बोल करके अपना मन हल्का कर लोगे बट आपकी जो मदर है उनके माइंड में एक हैवीनेस आ जाएगी कि मेरी बेटी के साथ में पता नहीं क्या हो रहा है और फिर वो रिएक्ट करने लग जाएंगी और अब आपको उस रिएक्शन से प्रॉब्लम है अरे तो बोलो ही मत ऐसी बात है बट सर समाइम्स जो प्रॉब्लम होती हैं जो मैं बता रही होती हूँ वो रिलेटिव से रिलेटेड हो गई हैं जो रिश्तेदार होते हैं वो करें और मम्मा को पता होता है कि हाँ वो गलत है बट वहां पे चुप रहने को क्यों बोला जाता है जहाँ पर हमारी गलती ही नहीं है और हमें सुनना पड़ता है कुछ वहां पे चुप रहने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप बोलते रहे और वो आपको सपोर्ट करते रहे तो पक्का है कि लड़ाई बढ़ जाएगी तो इसलिए आपको बोला जाता है चुप रहने के लिए उनके स्टैंड पॉइंट से समझिए कि अगर आपकी मदर आपको कह रही है कि छोड़ो इनके बारे में ऐसे मत बोलो उसके पीछे एक रीजन है क्योंकि अगर आप इस तरीके से बोलने लग गए किसी के बारे में मान लेते हैं आप मैरिड हो और अगर आप अपने इन लॉज के बारे में कुछ बोल रहे हो जो कि सच है यानी कि उनके अंदर कुछ कमियां हैं किसमें नहीं होती है सब में है नहीं होती है। तो अगर ये बातें आप कर रहे हो अपनी मदर से और आपकी मदर वहां से कह रही है हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और वो आपको बढ़ावा दे रही है तो पक्का वो घर टूटेगा बट अगर वो कहेंगी अरे छोटी मोटी बातें छोड़ो ना क्या तुम इन बातों को पकड़ करके बैठी हो हर घर में होती है कहां नहीं होती क्योंकि उन्होंने भी पूरी लाइफ देखी है तो वो एक स्टैंड पॉइंट से सही भी कह रही है क्योंकि द मोमेंट शी एंटरटेन्स दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर साइड तो वो बढ़ने लग जाएगा जाए। जिसकी वजह से आप ही का नुकसान होगा तो वो जो कर रही है वो आप ही के फायदे के लिए कर रही है बट हैविंग से दैट ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिना एक्चुअल में समझे कर रहा हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है किस लेवल की है कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत बड़े लेवल की होती है वहाँ पर आपको लड़ना भी होता है वहाँ पे स्टैंड लेना होता है वहाँ पे आपको क्लियरली सामने वाले को बोलना होता है पीछे से सपोर्ट को गैदर करना होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट वो तब है जब प्रॉब्लम एक्चुअल में बड़ी है बट बहुत बार क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है अभी बड़ी और छोटी कौन डिसाइड करेगा कि बड़ी है छोटी है क्योंकि आप बोल दो कि मिल लो तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और सामने वाले यहाँ पे हो सकता है कोई और बैठी हो या बैठे हो वो सुन करके कहें कि बहुत ये क्या है। तो खाने को लेकर के बोल दिया कि खाना बढ़िया नहीं है ऐसे कोई बोलता है क्या मुंह पे देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है देखा जाए तो कुछ भी नहीं है समझ गए तो ये बड़ी छोटी भी आपके अपने माइंड में ही है तो पहले अपने माइंड में फिक्स करो कि बड़ी क्या है और छोटी क्या है वो कैसे होगा टाइज करो अपने माइंड में लिख करके और कभी भी याद रखो जब भी ये बातें अगर आपको एक्चुअल में इसका सोल्यूशन चाहिए एक है कि आप सिर्फ पूछ रहे हो सर, पूछने नहीं के, नहीं। के लिए एक है आपको एक्चुअल में सोल्यूशन चाहिए अपने माइंड में एटलीस्ट इतनी सी क्लैरिटी लेकर के आओ एक पेपर पेन लेकर के लिख करके कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पांच चीजें क्या है एक रिलेशनशिप में तो अगर वो आपको क्लियर है तो अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तब आपको लड़ना है बट अगर बाकी की सौ चीजें हैं तो आपको इग्नोर करना है इसका उल्टा होता है बहुत बार क्योंकि ये क्लैरिटी है ही नहीं है हमारे माइंड में तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके पीछे हम लड़ते रहते हैं और जब कोई बड़ी चीज हो जाती है तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होती है लड़ने की क्योंकि सारी एनर्जी उन छोटी छोटी लड़ाइयों पर निकल चुकी होती है बहुत बार क्या होता है मैंने देखा है घरों के अंदर सिचुएशन होती है जहां पे लड़ना चाहिए और कोई लड़ ही नहीं रहा है कोई कुछ कह ही नहीं रहा है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है सारे चुप बैठे हैं एज इफ के कहीं कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें एक क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ऐसी है जिसको इग्नोर करना चाहिए और यह आपको खुद अपने लिए ही लिख करके क्लियर करनी होगी क्योंकि हो सकता है मेरे लिए जो प्रायरिटीज हो वो आपकी प्रायरिटीज से बिल्कुल अलग हों किसी और की बिल्कुल अलग हो कोई वर्किंग वुमेन है उसकी अपनी अलग प्रायरटीज है मैरिज के बाद में कोई वर्किंग नहीं है तो उसकी अपनी अलग प्रायरिटीज है तो वो क्लियरली डिफाइन करना होता है और लिख करके करना होता है क्योंकि माइंड में करोगे तो उलझ जाओगे और फिर आप एक लूप में चले जाओगे जिसको ओवर बार 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 रहोगे और उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा कुछ भी इमेजिन कर रहे होंगे अच्छा उसने ऐसा बोल दिया इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा है कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही आपको कैसे पता वो कैसा सोच रहे हैं उनसे फोन करो क्लियर करो कि भाई आप ऐसा सोच रहे हो क्या ये गेटिंग वेर आई एम कमिंग फ्रॉम कि मतलब लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो प्रॉपर ऑर्डर में लेकर के आओ चीजों को क्लियर करो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है ये बहुत जरूरी है लाइफ में करना जो हम कभी नहीं करते हैं आप अंदर से परेशान हो पूरी लाइफ के लिए लेकिन आपको ये तक पता नहीं है क्यों परेशान हो क्यों नहीं पता बिकॉज कभी आपने फिगर आउट ही नहीं किया कि एक्चुअल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में जैसे कोई इंसान हो सकता है एक एग्जाम्पल देता हूं आप जॉब कर रहे हो किसी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीडम 24 घंटे मेरे सर पे कोई ना बैठा रहे या बैठी रहे कि तुम्हें ये करना है तुम्हें वो करना है मेरे को ऐसा पसंद नहीं है ये हो सकता है एक पर्सनैलिटी हो दूसरी है जो कहती है कि मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए मुझे कुछ भी बोलते रहो मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि ये जॉब अगले बीस साल तक तीस साल तक कहीं जाने वाली नहीं है तो दोनों अलग अलग हो गए ना बिल्कुल ही yes, अब अगर उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे हैं तो हो सकता है वो दोनों जहां होने चाहिए वहां नहीं है और परेशान है लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम परेशान क्यों हैं क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं हो रहा बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मछली है वो हवा में कहीं उड़ने की कोशिश कर रही है बार बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है यही उसकी परेशानी का कारण है अगर वो समझ जाए वो मछली है चुपचाप पानी में रहे कोई दिक्कत ही नहीं है